हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का बज चुका है 7:03। अभी मैं यहाँ पे फ़िलहाल बीजापुर में हूँ। यहाँ पे सीन कुछ इस तरह दिखता है। सुबह हमारे छत के ऊपर है, ब्यूटीफुल सीन। अभी सनलाइट ने वहाँ पे देखिए फॉग पैसा जमा हुआ है। आज हम लोग आपको बीजापुर की शुगर की तरफ लेके जा रहे हैं। दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारा सपना, हमारा गोल होता है। उसे पाने के लिए मेहनत करना चाहिए, जस्ट गेट इट। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो जिंदगी जीने का क्या मकसद। रोहित और अभिषेक का साथ मिलते ही बीजापुर की यात्रा जैसे मैंने करने की सोची थी, उससे ज्यादा ही मुझे वहाँ पे खुशी मिल गई थी। Welcome to the my new vlog. Today I am here in Bijapur. तो आज हम explore करने वाले हैं बीजापुर के सबसे सुंदर जगह शिवगिरी के बारे में। ये है 85 फीट वाली भारत की दूसरी सबसे बड़ी शिव की मूर्ति। शिव की ऊंची प्रतिमा मैंने पहली बार मुर्डेश्वर में देखी थी, उसके बाद में शिवगिरी में। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शिव की प्रतिमा शिवगिरी है। यहाँ पे आपको एंट्री टिकट 15 रुपए पर पर्सन। अगर आपके पास कैमरा वगैरह है तो उसके लिए 20 रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। अंदर गार्डन वगैरह बहुत ही खूबसूरत है। पाटिल बनकट्टी ट्रस्ट द्वारा बनाई गई 85 फीट वाली ऊंची प्रतिमा देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत है। बीजापुर के शिवगिरी को आते हैं तो यहाँ पे गार्डन वगैरह बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा। आप इन मूर्तियों को सिर्फ दूर से देखना पड़ेगा, अगर करेंगे तो 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। बीजापुर की सिंदगी रोड पर बनी हुई भगवान शिव की प्रतिमा 85 फीट ऊंची है। 85 फीट वाली इस ऊंची मूर्ति को पाटिल बनकट्टी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बनाई गई है। इस मूर्ति को बनाने के लिए सीमेंट और स्टील का इस्तेमाल किया गया है। और इस मूर्ति के नीचे ही यहाँ पे एक छोटा सा शिवलिंग भी है। शिवमोगा के शिल्पकारों ने इस मूर्ति को सिर्फ 13 महीनों में निर्माण किया है। 1500 टन में बनी ये मूर्ति भारत की सबसे दूसरी बड़ी मूर्ति मानी जाती है। 26 फरवरी 2006 में बनी इस मूर्ति धीरे धीरे तीर्थस्थल बनते जा रहा है। का निर्माण शिवरात्रि के पुण्य दिन पे हुआ था। शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूरी तक सिंदगी रोड पर रामपुर गांव में स्थित है और हर शिवरात्रि के पुण्य दिन पे यहां पे हजारों की भीड़ देखी जा सकती है।
लेफ्ट साइड हमें एक गणेश जी का मंदिर भी दिखेगा। का ब्लॉग आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कमेंट तो बनता है। फिर मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।